सी बेटा क्वेश्चन नंबर वन इन द फिगर इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज इट इज वेरी इजी सी द एंगल एट द सेंटर इज डबल यस युग मैम आंसर बताना था बताओ मैम 40 हाफ होगा उसका यस क्योंकि ये सेंटर पे जो एंगल होता है वो सर्कल के उधर कॉर्नर पे जो एंगल है उससे डबल होता है ये 80 तो ये 40 नेक्स्ट द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 90 डायमीटर द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 90 डिग्री यस दैट इज द एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री आगे देखिए O is the center of the circle. What is the measure of angle X? Again, it is very easy. Yes, Dhiren. Ma'am, 50 degree. 50 degree. Explain kar do. Ma'am, jo angle AOB hoga, wo hoga 80 degree. Degree division theorem se. और ए बी ए ओ और ओ बी दोनों रेडियस हैं सर्कल के तो इक्वल होंगे तो एक्स और एंगल भी इक्वल होंगे तो एंगल सब प्रॉपर्टी से एक्स 50 आ जाएगा मैम ठीक था नाउ सी द फिगर ऑन द बोर्ड ए बी इज इक्वल टू ए सी दिस ए बी इज इक्वल टू ए सी O is the center of the circle. Angle BOA is 90. You have to find angle AOC. Angle AOC, batao kitna hai? Yes, Jasleen. 90 degree. 90 degree. Kaise Jasleen bete? स्ट्रेट लाइन वैसे तो स्ट्रेट लाइन अगर इसमें सर्कल की प्रॉपर्टी लगानी हो तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी अगर सर्कल की प्रॉपर्टी लगानी हो तो कौन सी यस लक्ष्य मैम एंगल इन अ सेमी सर्कल इज द राइट एंगल एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल बेटा वो तब होता है कि ये सेमी सर्कल है ठीक है यहाँ पर जो एंगल बनता है वो राइट एंगल है ये नहीं मान लो अगर आपने यहाँ पर इन्होंने दिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी उसका क्या यूज है फिर व्हाई दैट इज गिवन वी हैव डन द थ्योरम दैट इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द इक्वल एंगल दीज आर टू इक्वल कॉर्ड मान लो समटाइम्स द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड यूज द थ्योरम टू फाइंड द एंगल तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा मींस यू हैव टू राइट द थ्योरम नाउ वी हैव डन द थ्योरम एंगल सबटेंडेड इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर तो ये कॉर्ड इक्वल है इसलिए ये वाली कॉर्ड ये एंगल बना रही है ये वाला कॉर्ड ये एंगल बना रही है ये 90 तो ये भी 90 नेक्स्ट क्वेश्चन See now, in the given figure chord AB subtends angle AOB equal to 60. ये angle कितना है? 60 degree. If OA is 5 centimeter, this is 5 centimeter. Find the length of AB. AB length बताइए कितनी है? Yes, hurry up, solve it. Ma'am, 5 centimeter. 5 centimeter. How it is 5 centimeter?
मैम OA वो भी रेडियस है तो एंगल वो भी 60 होगा. OA is equal to OB 60 डिग्री. बेटा ये आपको पहले लिखना पड़ेगा. OA is equal to OB. This implies this angle is equal to this angle. Angles opposite to equal sides are equal. Then by applying angle sum property, you will come to know 2x plus 60 is 180. 2x कितना आ गया? 120. यहां से हमें पता चला ये भी 60, ये भी 60, right? Therefore, this is an equilateral triangle, and we know in equilateral triangle all the three sides are equal. So if this is 5 cm, then this chord AB will also be equal to 5 cm, right? Next question. PQ and RS are two parallel chords of a circle. This is PQ and this is RS. These are two parallel chords of a circle on the same side of the center O. This is center O and these two lines are on the same side. And radius is 10 cm. If PQ is 16 cm, PQ आपको given है बेटे 16 cm, RS is 12 cm, ये 16, ये 12, find the distance between the chords, find the distance between the chord means this OP, ये आपको given है यहाँ according to the figure 10 cm. ठीक है. वैसे तो अगर ये कॉर्ड ये है तो इसको भी हम रेडियस ले सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस फिगर दे हैव गिवन दैट ओपी इज 10 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स. फॉर दिस वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर. दिस इज पॉइंट एल, दिस इज पॉइंट एम, दिस इज परपेंडिकुलर. वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एल एम. कैन एनी वन फाइंड? प्लीज ट्राई. Yes, hurry up. Try it. I'll discuss after 2 minutes. Radius is given to you 10 cm. It means this OP is also 10 and this OR. This OR is also a point on the circle. This is also 10 cm. Agar ye pura PQ beta 16 hai, we are drawing the perpendicular from the center. It means this is 8, this is also 8. This is 6, this is 6. Ab dekho, kaise karoge? You have to apply the Pythagoras theorem on both the triangles. पहले इस पे Pythagoras theorem लगाइए and find OL. Then apply the Pythagoras theorem here and find this full OM. फिर OM में से OL minus करो and you will get your distance between the chords. Yes, just 1 minute. हाँ जी अपरन. मैम 2 सेंटीमीटर. यस द आंसर इज 2 सेंटीमीटर. हाँ जी जसलीन बेटे. मैम 2 सेंटीमीटर. कितना? 2 सेंटीमीटर. हाँ जी द आंसर इज 2 सेंटीमीटर. एवरीवन, दोज हैव गॉट द आंसर, गुड. दोज हैव नॉट गॉट द आंसर, प्लीज सी द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. इस पे देखे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. 10 square is equal to 8 square plus OL square. 100 minus 64 is equal to OL square. It is 36. So OL kitna aa jayega aapke paas? 6. Similarly here in this triangle, 100 minus 36 is equal to OM square. Right? It will be 64.
तो OM कितना आ जाएगा 8. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग राइट. ये पूरा है 8, ये है 6. 8 माइनस 6 यू विल गेट दिस द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स दैट इज 2 सेंटीमीटर. एनी डाउट टू एनीवन? Next. Just 1 minute. Now students, see the questions. See this question number 4. In the figure, O is the center of the circle. What is the measure of angle ADC? Again, here the degree measure theorem is applied. Tell the answer quickly. Raise your hand. जसलीन एंड ओनली जसलीन धीरेन. ये बाकी के जो बच्चे क्लास में हैं, लक्ष्मितांश, अनित्या, प्रणय, राघव, रेणुका, रिधिका, रिधिमा, शिवराज, कीर्ति, नितिश, साहिल, रेजा, बेटा क्या टाइम पास करने के लिए आए हो क्लास में? कोई आंसर तो दो कभी, या बस बाकी बच्चे दे देते और चल जाता तुम्हारा काम. यस लक्ष्य मैम, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ है ये वाला, फोर्थ. फोर्थ क्वेश्चन मैम, वन सेकंड मैम. 45 दोनों का प्लस कितना है? 62 प्लस 8 90. ना हां जी, सी द सम ऑफ दिस टू एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस. So this is 45. अगला देखो, fifth question. O is the center of the circle. What is the measure of angle AOC? Yes, Yug. हाँ जी, हाँ जी लक्ष्य मैम. 158 तो समझा कैसे मैम? जो ये जो ट्रायंगल एडीसी है, इसमें एंगल सम प्रोपटिल जाएंगे, एंगल एडीसी आ जाएगा, ये दोनों का सम करके लगाएंगे मैम. एट एंगल ट्रायंगल एडीसी में एंगल एडीसी तभी आएगा ना. बट इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी को नीचे वाला साइड तो ज्वाइन हो नहीं रही, एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे? इसमें तो चार वर्टेक्स बन रहे हैं, चार एंगल बन रहे हैं, एक रिफ्लेक्स एंगल अंदर वाला एओसी भी तो बन रहा है. एंगल सम मैम फिर वो तो डिग्री मेजर थ्योरम से नहीं आएगा. डिग्री मेजर थ्योरम से तो बात की बात है ना, एडीसी एओसी हमने निकालना है. एडीसी कैसे फाइंड करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से किया है. नो नो नो, एंगल सम प्रॉपर्टी लग कहां रही है? ये आर्यन बताएगा, आई डाउट. यस आर्यन मैम, हम ओडी को जॉइन करेंगे, फिर हम एओडी और सीओडी की वैल्यू ऊपर ओडी में डाल देंगे. 48 प्लस 31 और डी हमारा टोटल जो आएगा इनो का, लेट अस सी मैं बोर्ड पे बना 79 डिग्री आएगा. Just 1 minute.
सी ऑन द बोर्ड, ये फिगर है हमारे पास, हमने एंगल एडीसी निकालना है। बेटे आप एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज पे नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो ऐसे फिगर है इस तरह से, ये कोई ट्रायंगल थोड़ी बना कि आप इसको इसको और इसको प्लस कर दोगे, ये कहां गया? ठीक है, हमने क्या किया, वी विल ज्वाइन ओडी। नाउ दिस इज आल्सो, दिस इज रेडियस, दिस इज आल्सो रेडियस, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये आया 48 डिग्री। Yes, Lux, you want to say anything? Then again, this is radius, this is 31, so this is also 31. Angle ADC kitna aa gaya? 49, 59, 69, 79. 79 degree. Option 3 hamare paas 79 degree ki. AOC. Okay, humne AOC find karna tha, bachche. AOC. This is 79, this is double of 79. 158, आपने लक्ष्य 158 पता नहीं कैसे निकाला, एंगल सम प्रॉपर्टी का तुक्का, आई डोंट नो, बट दैट वाज नॉट द करेक्ट मेथड। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, वन मिनट, यस दिरेन मैम 45 डिग्री, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल, इफ ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन ऑन द बोर्ड, बट ऑन द ऑन योर स्क्रीन देखिए, ये 90 आ गया, ठीक है, इसका मतलब ये दो एंगल्स बच गए, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इनके ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये भी तो दोनों का सम 90 है, दोनों एंगल्स इक्वल है, इट मींस ईच एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। फाइन, आई होप इट इज क्लियर, दिस वाज इजी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ, ओ इज द सेंटर ऑफ, हाँ जी लक्ष्य कुछ पूछना है? हाँ जी बेटे। मैम नहीं आंसर देना था। अच्छा, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, चलो बताओ आंसर इसका। मैम पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, रुक जा, लेट एवरीवन अदर्स आल्सो सॉल्व। जस्ट ट्राई, हाँ जी प्रणय। मैम 70। यस द आंसर इज 70। यस युग। मैं बताऊं कैसे कि 70 है? चल बता। मैम ये जो सा हम 120 और 100 को प्लस करेंगे क्या आएगा 220? सारे बच्चे सुनो, आई विल नॉट रिपीट। मैम 120 और 100 को प्लस करके 220 आएगा, फिर जो सा एंगल AOB हम 360 में से 220 को माइनस कर देंगे। yes. फिर वो आता है हमारा 140 और yes. ACB जो है हाफ होना चाहिए 140 का, वो 70 आ जाएगा। yes, yes, बिल्कुल सही। ठीक है, तो डिग्री मेजर थ्योरम लग रही है यहाँ पे भी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? Now again degree measure theorem will be applied, but this is now the third case where the arc is reflex angle. हाँ जी आंसर पता चला? ये और बच्चे कोई कवर, नूर, नितांश, कम ऑन बेटे। ओके नित्या। मैम 105 आएगा।
105 आएगा, बिल्कुल सही 105 आएगा। एवरीवन लुक ऑन द बोर्ड, see this is given to you 150, you have to find x. now ab aap dekho beta, ye center hai aur ye jo hai ac center idhar wali side hai, means this is what, this is the major arc. third case kiya tha isne, kya hai ye wala angle, reflex angle aoc is equal to angle abc. बिकॉज दिस इज द केस ऑफ द मेजर आर्क, तो इसमें जो रिफ्लेक्स एंगल है ये डबल होगा इसके. नाउ दिस फुल एंगल मेक 360 डिग्री, 360 में से 150 माइनस करेंगे, ये आएगा 210. सो नाउ 210 डिग्री इज ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स. ए बी सी क्या है, एक्स. हाफ करेंगे एक्स कितना आ जाएगा 105 डिग्री. ओके फाइन. सो टुमारो इज हॉलीडे बेटा, टुडे यू आर नॉट हैविंग एनी टेस्ट, योर टेस्ट विल बी इन द नेक्स्ट वीक. ओके सो एंड द स्टूडेंट्स, योर सिलेबस इज कंप्लीट बट आई हैव रिसीव्ड ओनली फ्यू नोटबुक्स फॉर चेकिंग. प्लीज बच्चे मेक द पीडीएफ एंड सेंड योर नोटबुक्स फॉर चेकिंग टू मी टुडे. वी विल कंटिन्यू डे आफ्टर टुमारो. ऑल राइट, टेक केयर बच्चे. यू कुछ कहना है? हाँ जी मैम, ये 210 कौन सी सेगमेंट ने बनाया है? ये वाली आर्क में, मेजर आर्क में, ये रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, ओके.